sebenarnya benar-benar bikin lagi main Nifty ऑफ सच एनालिसिस करेंगे कल के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं बन सकती है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है winamandari1.blogspot.com, फेसबुक पेज है हमारा हेजिंग स्टडीज बाय विनय मंडारी, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। इस सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आप जुड़िएगा। सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये आ गए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, इधर सेल सिग्नल दिया, वहां से एक अच्छी रैली दी, फिर यहां पर एक छोटा सा एक बाय सिग्नल बनाया है लेकिन प्रॉपर बाय सिग्नल नहीं बना है, फिर इधर एक सेल सिग्नल दिया लेकिन उसने भी अपना इंटरडे के हिसाब से, जैसे इंटरडे चार्ट है आप लोग जानते ही हैं, इंटरडे के हिसाब से ये जो सेल सिग्नल यहाँ बना उसने अपना काम करके दिया। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रल ही रहा, मीन्स हाँ बैंक निफ्टी न्यूट्रल ही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए चार्ट तो हमारे को बता नहीं रहा है अभी यहाँ पे कि शॉर्ट है, शॉर्ट सिग्नल दिया उसने, लेकिन डेली चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ, देखिए डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को तो क्या सिचुएशन बनती है देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन देखिए डेली चार्ट में बैंक निफ्टी शॉर्ट है, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी शॉर्ट दे चुका है हमें करीब 30,960 के आसपास, तो वहाँ से 600 पॉइंट करीब नीचे आ चुका है। और नीचे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है ये मेरा टारगेट है 29,900 के आसपास का, ये टारगेट है, इस टारगेट के आसपास इसे आना चाहिए। लेकिन हम कल के लिए बात करेंगे तो कल के लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, डेटा थोड़ा सा मैंने देखा है इसका, ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारा हेजिंग स्ट्रेटजीज टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर जुड़िए, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हम अपनी तरफ से डालते रहते हैं, इसका आप बेनिफिट लीजिएगा। और ये हमारा ब्लॉग है winamandari1.blogspot.com, इसमें भी आप यहाँ पर जाके ब्लॉग में आपका मेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे तो हमारी तरफ से सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, चार्ट देख लिया, ऑप्शंस का डेटा इसे हम पेंट में ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। ये देखिए पेंट में मैंने इसे ले लिया है बैंक निफ्टी को, अब देख लेते हैं क्या है। 30,432 में क्लोज दिया है, 30,400 के आसपास हम आ जाते हैं। ये देखिए आ गए हम 30,400, कॉल साइड में देखेंगे पहले, कॉल राइटिंग है यहाँ पर, ये कॉल राइटिंग है, ये बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, 223,000 ओके। फिर उसके ऊपर यहाँ पर कॉल राइटिंग है, ये कॉल राइटिंग है, ये कॉल राइटिंग है, ये कॉल राइटिंग है, ओके। इधर देखिए थोड़ा फ्रेश बाइंग है कॉल साइड में, थोड़ा सा ये थोड़ा सा फ्रेश बाय दिख रहा है, इधर थोड़ा फ्रेश बाय दिख रहा है, 30,000 में 14,000 का ओपन इंटरेस्ट, ओके 77,000 का ओपन इंटरेस्ट है 30,000 में, यहाँ पर बाइंग, ओके इधर 700, 5,24,000, 4,70,000, ओके। थोड़ा पुट साइड भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पुट साइड भी देख लेते हैं, पुट साइड में 30,400 पहले देखेंगे, यहाँ पर पुट राइटिंग है, जैसे कि सब जानते हैं एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में राइटिंग होती है, प्रीमियम कम होते हैं, उस वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें डेटा थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। ये क्या है, 1,30,000, 2,32,000, 97,000, डेटा उतना ज्यादा जैसे निफ्टी शॉर्ट बता रहा ना, ये इतना शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी है तो खराब ही, कॉल साइड में खराब है, पुट साइड में थोड़ी राइटिंग है, लेकिन एक्सपायरी कल नज़दीक है तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर।
30,100, 30,100, 30,200, 30,300, 1,62,000, ओके। देखिए मेरे को क्या लग रहा है, जो मेरा है चार्ट मैंने देखा था, थोड़ा सा चार्ट को भी थोड़ा सा मैं कंबाइंड इसके साथ में ले रहा हूँ, उसके हिसाब से अभी जैसे हम हैं 30,432 के पास में है, 30,432 में है यहाँ पर है, तो यहाँ से मेरे को लगता है ये रेंज 30,100, 30,100 मेरे को दिख रहा है, 30,107 आप ये लीजिए, 30,100 या 30,107 ये रेंज तक दिख रहा है मेरे को। मतलब मेरे को ऐसा दिखता है कि 100 पॉइंट का, 100 से 150 पॉइंट के करीब का करेक्शन निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी में यहाँ तक करेक्शन दिख रहा है 30,107 तक, 30,107। और एक और मैं बताता हूँ आपको, मेरे को क्या लगता है, जो SBI कार्ड का IPO है, वो कार्ड के IPO के होने के बाद मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन मेरे को दिख रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन मेरे को दिख रहा है अपने बाजार में SBI कार्ड के IPO के होने के बाद। तो सेफ होके हमें काम करना है, हमारे को क्या काम करना है, हेजिंग करना है, लॉन्ग साइड में फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, नेकेड पोजीशन लेते हैं तो बिल्कुल फंस सकते हैं, इसलिए हेजिंग ये जरूर करिएगा जो भी है, अगर आप लॉन्ग साइड में काम करते हैं या शॉर्ट साइड में जो भी काम करते हैं हेजिंग जरूर करिए। हेजिंग करने से क्या होता है, आपका रिस्क जो है, आपका जो रिस्क है वो हो जाता है मिनिमाइज, मिनिमाइज जाता है आपका रिस्क, ये चीज का आपको हेजिंग में बेनिफिट मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्च में, मार्च के महीने में मेरे को बाजार में करेक्शन दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन भी बनाई गई है जिस हिसाब से, और हेज पोजीशन है, थोड़ा सा खराब सा दिख रहा है बाजार, और आप ये जो देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट भी काफी खराब हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट अपने बाजार में पड़ ही रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है बाजार में खराबी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैं 30,107 निफ्टी में एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर आना चाहिए। और एक काम और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज मिलेंगी जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं अपने एजुकेशन के हिसाब से, यहाँ पर पढ़िए सुनिए और नोट्स बनाइए। मेरे से अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9699646408, मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।